गड़ाकोटा सेन समाज के लोगों ने एकत्रित होकर दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत भटिया गांव में समाज के ही वृद्ध की हत्या के विरोध में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सेन समाज के लोगों का कहना है कि चिलकन सेन को गांव के दबंग बंधु सिंह लोधी द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वृद्ध को देरी हो गई तो बंधु सेन ने वृद्ध के सिर में पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया। गंभीर चोट आ जाने के कारण वृद्ध की मौत हो गई थी। ज्ञापन सौंपने वालों ने इसकी घोर निंदा करते हुए तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि दमोह जिले में जो दुखद घटना हुई है उसके आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उनके लिए मारपीट की, गाली गलौज दी और इतना तक किया कि एक बहुत भारी पत्थर उठा के उनके सिर में मार दिया, जिससे वो घायल हो गए और जिला चिकित्सालय दमोह में उनके लिए भर्ती किया गया। काफ़ी प्रयास करने के बाद में उनका इंतकाल हो गया, समाप्त हो गए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि जो घटना हुई है, जो मृत चिलकन सेन जी हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दमोह क्षेत्र में दमोह जिला के अंतर्गत जो घटना हुई है, कोई व्यक्ति जो है सेन समाज का दाढ़ी बनाने के लिए बुलाए गए थे, इन लोगों का कहना है कि मतलब वो लेट पहुंचा जिससे उसको पत्थर मार दिए गए, पत्थर मारने से वो घायल हो गया और उसकी हत्या हो गई। उसके संबंध में इन लोगों ने जो है सामूहिक रूप से समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। उस संबंध में हम जो है जिला प्रशासन को ज्ञापन को प्रेषित कर देंगे, उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो होनी चाहिए। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज़।